बज रहे 8, अभी रात के 8 बज रहे, आज है 10 तारीख। और अभी मैं जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वीडियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो मेरे नाखून देख पा रहे होंगे ना। तो फ्रेंड्स मेरे जो ये नेल्स है ना, तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि घर का काम करते तो उनको आती है सूख खाना खाने में। तो मतलब कि देखो ये आप देख रहे होंगे कितने प्यारे से लग रहे हैं, मुझे तो बड़े पसंद है मेरे नाखून, मतलब कितने प्यारे से, मतलब और मतलब जिस नेल पेंट वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे काटने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि तो मैं करूँगी अपने नाखूनों पे थोड़ी सी डिज़ाइन, तो मतलब काफ़ी टाइम इच्छा हो रही थी, मैंने पहले से सोच भी रखा था कि एक वीडियो जरूर डालूंगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरे नाखूनों की जो ग्रोथ है अच्छी बढ़ जाती है, देखो नकली नाखून नहीं है असली है। और इसके ऊपर मैं करूँगी पेंटिंग, कुछ फ्लावर वगैरह बनाऊँगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से कलर यूज़ में ले रही हूँ नाखूनों को सजाने के लिए। तो ये देखिए, तो एक लिया है मैंने ग्रे कलर, एक है ब्लैक और एक है रेड, तो ये तीनों के तीनों मैट में है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा भी देती हूँ। ये अब इसमें उल्टा दिख रहा होगा, पर ये जूस का नेल पेंट है और काफी सुंदर जो है लगती है लगाने के बाद, और ग्रे कलर तो मेरा फेवरेट है। आप देख रहे हो मैंने ग्रे कलर की साड़ी पहन रखी है, तो मैंने बना रखा है, तो बस ये हमने तीन कलर लिए हैं, तो इससे हम जो है फ्लावर बनाएंगे और नाखूनों के थोड़ा सा मैं डिज़ाइन दूंगी। वैसे आती नहीं है मुझे, फिर भी मैं सोच रही थी कि कुछ बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से जो मेरे नाखून लगेंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट कर। तो देखिए इससे मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है, जो नेल पेंट लगी थी मेरे नाखूनों के ऊपर तो इससे मैंने साफ कर लिया है, और इसका कोई एड नहीं दे रही हूँ, आपकी इच्छा तो लाओ। वैसे मैंने इससे साफ कर लिया, काफ़ी अच्छा है ये, लगाने के बाद में जो है अच्छे से उतर जाती है नेल पेंट जो हमारी रहती है। तो ये देखिए तीन मैंने नेल पेंट ली है, तो ये थोड़ा सा ख़त्म होने आ गई है, और ये तीन देखो ग्रे कलर, रेड है, ब्लैक है, तो इन तीनों से हम जो है नाखूनों पे करेंगे थोड़ी सी डिज़ाइन। अभी मतलब कि मैं खुद ही सीख रही हूँ, मुझे आता नहीं है। और ये देखिए मेरे नाखून कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मतलब जो है नकली लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे नाखून ऐसे बढ़ जाते हैं, और अभी बढ़ते कैसे ये तो मैं भी नहीं बता सकती। और देखिए यहाँ पर मैंने लिया एक पेंटिंग ब्रश, जो हम पेंटिंग करते हैं ना, तो वही वाला ब्रश मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये है 0, तो जिसका साइज वो मतलब कि नंबर होता है, तो ये देखो 0 है ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 0 का ब्रश लिया है और ये पेंटिंग ब्रश है, तो इसी से जो है हम थोड़ा सा जो है फ्लावर वगैरह बनाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे ग्रे कलर, तो पूरे नाखूनों पे हम ग्रे कलर लगा लेंगे, तो 1 कोट लगाना है, वैसे मैट की है तो 1 कोट में ही काम हमारा हो जाएगा। तो चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। Shutterstock Music. इसको अब हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो देखो कितने प्यारे से लग रहे मेरे हाथ, सच में मतलब इच्छा नहीं हुई इसको काटने की, तो क्योंकि इसको अब लगाने के बाद मुझे काटना भी पड़ेगा, तो मैं सोचा कि वो सब मैं वीडियो शेयर करूँ बस इस वजह से। तो अभी सूख जाएंगे, उसके बाद में हम करेंगे इस पर थोड़ी सी पेंटिंग। Shutterstock Music. वो तीन वो बैठे हुए
ग्रे कलर से फर्क लग रहा था है ना, तो बस ये रेड लगा। कुछ भी बना लेती यार पागल हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा था। ये छोटू सा मैंने ले लिया है और अब मैं काटूंगी अपने नाखूनों को, काट लेती हूँ। ज़्यादा छोटे मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा नहीं काटूंगी, इतनी कर लेती हूँ, इतनी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी वो चले गए नीचे, तो थोड़ा सा मैं जो है ना और देखो इतने बड़े बड़े मेरे नाखून हैं। तो यहाँ में मैंने स्टॉल बिछा लिया है मेरा और अब मैं नाखून अपने काटने के लिए जा रही हूँ। Shutterstock Music. Shutterstock Music. मैं इससे अब जो है नाखूनों को शेप दे दूंगी तो थोड़े भी बड़े भी दिखेंगे और जो अच्छा शेप आ जाएगा। और वो भी आ गए हैं, मैं नाखून काटते हैं, उन्हें काटते हैं, उन्हें काटते हैं, ऐसा करेंगे। तो मैं इसको दे देती हूँ थोड़ी सी शेप नाखूनों को, बस उनके लिए थोड़ा सा बलिदान दे दिया मैंने अपने नाखून काट के। छोटे छोटे हो गए क्या? दूसरी मामा आपके कैसे बोलती है? वो मेरी नकल कर रही है, वो भी कैमरे में देख के कह रही है कि मेरी नकल कर रही है। तो करने देना नकल आपकी जैसी कर रही है तो। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और आज है दूसरा दिन। और पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों से मैं शेयर भी किया था जो कि मैं केले के पेड़ की पूजा करती हूँ। तो फिर चने की दाल और ये सब ले लिया है और अब मैं जो है पूजा करूँगी। पहले हरा भरा हो रहा था ना तो पूरा सूख गया क्योंकि पानी नहीं डला और साथ में की बारिश पड़ जाती थी, बारिश होना बंद हो गई। तो मैं पानी भी ज़्यादा मतलब देखने भूल जाते हैं क्योंकि छत ज़्यादा ऊपर है ना। तो चलो मैं करना स्टार्ट करती हूँ पूजा और ये रख देती उधर, खुल जा एक हाथ से भी नहीं खुलेगा। तो हो गई मेरी पूजा, अपने चारों नीचे